Please wait while directions are downloaded. हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरदाना का डेकोर। तो आज हम जो बात करेंगे किया के सेल्टोस के बेस मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये गाड़ी हमारे पास जो सेल्टोस आई थी वो बेस मॉडल आई थी, हमने इसको कन्वर्ट किया है, जो वो टॉप मॉडल में कन्वर्ट किया है। देख सकते हो साइड से आपको लोई भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये देख सकते हो, सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट व्यू के बारे में। तो फ्रंट व्यू में आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया वो फ्रंट गार्ड भी इंस्टॉल किया, साथ ही साथ आइस क्यूब गाड़ी के अंदर जो हमने फॉग लाइट लगाई है वो आइस क्यूब फॉग लाइट इंस्टॉल किया है, साथ ही साथ हेडलाइट के अंदर जो हमने एलईडी इंस्टॉल किया है वो वाइब्रोसोनिक की देख सकते हो वाइट एलईडी इंस्टॉल की गई है इस गाड़ी के अंदर 180 वोट की। तो बात करें वर्किंग की, तो ये देख सकते हो जो फॉग लाइट है वो इंडिकेटर के साथ भी वर्क करेगी, साथ ही साथ में फॉग लाइट भी वर्क करेगी। आपको दिखा देता हूँ, तो ये देख सकते हो आप अभी, तो ये देख सकते हो अभी वाइट फॉग लाइट की जो रोशनी आपको दिखाई दे रही होगी, साथ ही साथ जो हमने इस गाड़ी के अंदर हेडलाइट में भी एलईडी इंस्टॉल किया है। बात करें फ्रंट गार्ड की, तो ये देख सकते हो सेफ्टी पर्पज के लिए हमने इसमें फ्रंट गार्ड भी इंस्टॉल किया है, ये भी हमने जीटी लाइन के साथ इंस्टॉल किया गया है और इसके साथ काफ़ी सेफ्टी होती है गाड़ी की। तो ये देख सकते हो जो एलईडी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की गई है वो फुली वाइट हमने इसमें इंस्टॉल किया है। बात करें साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल से आपको दिखाई दे रही होगी इस गाड़ी में जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो अलॉय भी लगाए हैं, तो मॉडल वाले जो अलॉय लगाए गए हैं इस गाड़ी के अंदर। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो इंडिकेटर आते हैं, तो हमने यहाँ पे साइड वेंट भी लगाए हैं। और जो खास मॉडिफिकेशन की गई है किया सेल्टोस के अंदर, हमने लगाए हैं जो साइड मिरर भी लगाए हैं इस गाड़ी के अंदर। बात करें स्विच की, तो स्विच आपको एक बार दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे स्विच इंस्टॉल किया गया है और यहाँ पे कुंडी वाले शीशे आते हैं, वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो जो बेस मॉडल के अंदर शीशे आते हैं वो ये कुंडी वाले शीशे आते हैं, और हमने जो इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किए हैं वो फुली ऑटोमेटिक साइड मिरर लगाए हैं किया के ओरिजिनल, हमारे पास आपको साइड मिरर भी मिलेंगे। तो ये देख सकते हो जो बेस मॉडल में शीशे आते हैं इस प्रकार आते हैं। और अभी बात करते हैं क्रोम आइटम की, तो सबसे पहले बात करते हैं डोर वाइजर की। तो डोर वाइजर इस गाड़ी के अंदर जो हमने इंस्टॉल किए हैं वो क्रोम लाइनिंग के अंदर डोर वाइजर इंस्टॉल किए हैं। बात करें लोअर गार्निश की, तो लोअर गार्निश भी हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल की है। ये देख सकते हो ये लोअर गार्निश जो हमारे पास आपको मिलेगी, इंपोर्टेड लोअर गार्निश मिलेगी, ये पीछे तक की क्रोम आपको दिखाई दे रही होगी। साथ ही साथ में इस गाड़ी के अंदर हमने जो लगाए हैं हैंडल क्रोम भी लगाए हैं, और स्क्रैच के लिए हमने इसमें लगाए हैं जो वो हमने इसमें लगाए हैं फिंगर बाउल भी इंस्टॉल किए हैं। बात करें साइड पट्टी की, तो इस गाड़ी के अंदर हमने साइड पट्टी भी लगाई है, देख सकते हो आप। तो इसके साथ गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है, ये देख सकते हो आप। अब बात करते हैं बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो बैक प्रोफाइल में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस गाड़ी के अंदर जो लगाया गया है वो डिफ्यूजर भी इंस्टॉल किया है, और साथ ही साथ में हमने इस गाड़ी के अंदर लगाया है जो बैक कैमरा भी इंस्टॉल किया है, देख सकते हो यहाँ पे बैक कैमरा लगाया गया है। और आपको दिखाई दे रही होगी इस गाड़ी के अंदर हमने जो लगाई है टेल लाइट की क्रोम भी लगाई है, ये हमने CNLE कंपनी की इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है। अब बात करते हैं छत के बारे में, तो ये देख सकते हो जो हमने इसमें रूफ रेल भी लगाई है और शार्क फिन एंटीना भी लगाया गया है, साथ ही साथ में गाड़ी को एक अच्छी लुक देने के लिए यहाँ पे स्पॉइलर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस गाड़ी के अंदर जो हमने स्पॉइलर लगाया वो ब्लैक कलर का इंस्टॉल किया है, और इसके साथ गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंज हो जाती है, ये दिखा देता हूँ आपको, ये देख सकते हो आप। और ये ABS क्वालिटी में हमने इसमें जो रूफ रेल और स्पॉइलर इंस्टॉल किया है इस गाड़ी के अंदर। अब बात करते हैं कुछ अंदर के इंटीरियर के बारे में, तो अंदर के इंटीरियर से पहले मैं आपको एक बार शीशों की वर्किंग दिखा देता हूँ। जो हमने इस गाड़ी के अंदर शीशे लगाए हैं फुली ऑटोमेटिक शीशे लगाए हैं, बात करें वर्किंग की, तो वर्किंग आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो इस गाड़ी के अंदर जो शीशे लगाए गए हैं वो ओरिजिनल किया के शीशे हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं। बात करें वर्किंग की, तो ये देख सकते हो प्रॉपर वर्किंग में रहेंगे, अंदर से भी आपको वर्किंग दिखाऊंगा मैं, अभी पहले आपको बाहर से वर्किंग दिखा देता हूँ एक बार। बात करें सीट कवर की, तो इस गाड़ी के अंदर जो हमने सीट कवर इंस्टॉल किए हैं वो हमने इसमें एक्स्ट्रा कंफर्ट के जो सीट कवर इंस्टॉल किए हैं फुली बकेट सीट कवर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ में हमने इसमें GFX के मैट भी लगाए हैं, नीचे फ्लोर मैटिंग भी की है। अभी आपको दिखा देता हूं मैं साइड मिरर की वर्किंग, और साथ ही साथ जो हमने क्रूज इंस्टॉल किया है इसमें। तो ये देख सकते हो जो स्विच लगाया गया है इस गाड़ी के अंदर साइड मिरर का, तो यहाँ पे इंस्टॉल किया है, यहाँ से आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। और बात करें वर्किंग की, तो मैं एक बार वर्किंग आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हो आप अंदर से भी इनको फोल्ड कर सकते हो और एडजस्ट भी कर सकते हो यहाँ से। अब बात करते हैं क्रूज कंट्रोल की, तो जो क्रूज कंट्रोल इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया गया है वो किया का ओरिजिनल क्रूज कंट्रोल लगाया है इस गाड़ी के अंदर हमने। तो जो बेस मॉडल में दिखा देता हूँ मैं, ये डम्मी आती है इस प्रकार से, इसको हमने रिप्लेस करके यहाँ पे जो इंस्टॉल किया वो क्रूज कंट्रोल इंस्टॉल किया गया है।
अब बात करते हैं म्यूजिक सिस्टम के बारे में। तो म्यूजिक सिस्टम जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल किया है वो वाइब्रोसोनिक का कारप्ले इंस्टॉल किया है, दिखा देता हूँ आपको एक बार। तो ये देख सकते हो जो हमने इसमें म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल किया है वो 232 में विद कारप्ले के साथ इंस्टॉल किया है वाइब्रोसोनिक कंपनी का। और बात करें वर्किंग की तो प्रॉपर वर्किंग में रहेगा ये देख सकते हो आप। और इसमें हमने जो फ्रेम लगाया है वो प्रॉपर फ्रेम फिनिशिंग के साथ और इसकी फिटमेंट के साथ इंस्टॉल किया गया है। बात करें बैक कैमरे की तो ये वर्किंग में रहेगा। तो इस गाड़ी के अंदर हमने जो डंपिंग इंस्टॉल किया है वो अंदर बाहर की डंपिंग लगाई गई है। और ये म्यूजिक सिस्टम आपको दिखाई दिया मैंने विद फ्रेम के साथ जो इंस्टॉल किया है इस गाड़ी में। तो ये थी हमारी किया सेल्टोस गाड़ी। इस गाड़ी के अंदर जो एंड्रॉयड था और डंपिंग का अंदर का इंटीरियर में काम किया गया और सीट कवर भी हमने लगाए थे इस गाड़ी के अंदर, देख सकते हो एक्स्ट्रा कम्फर्ट जो सीट कवर हैं ये हमने इस गाड़ी के अंदर लगाए हैं। बात करें इनकी जो पूरे कम्फर्ट रहने वाले हैं ये। और ये थी सेल्टोस का बेस मॉडल। तो इसमें हमने काफ़ी सारी मॉडिफिकेशन की। अगर आप भी ऐसी मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो सरदाना कार डेकोर पे विजिट करें और अपनी गाड़ी को बेस से टॉप कन्वर्ट करें। थैंक यू।